मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हबार्स। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। यस्टरडे वी वर डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 5, दैट व्हाई इट इज एसेंशियल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ओके, आज हम बहुत ही इजी से टू मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है हैंड पिकिंग, दूसरा है विनोइंग। हैंड पिकिंग क्या होता है? तो देखिए, इसमें जो लार्जर साइज के पार्टिकल्स है, लार्जर साइज पार्टिकल्स, या इनको आप इंप्यूरिटीज भी कह सकते हो, लार्जर साइज पार्टिकल्स को। दूसरी बात, ये स्मॉल होने चाहिए क्वांटिटी में, ठीक है, लेस इन क्वांटिटी, लेस इन क्वांटिटी। तो ऐसे पार्टिकल्स जो लार्जर साइज के हो और जो मात्रा में बहुत कम हो, उनको हम हैंड से पिकिंग करके सेपरेट आउट कर सकते हैं, वी कैन यूजिंग हैंड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास राइस है, ओके, और इनके अंदर है कुछ स्टोन्स। सो इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टोन्स को पिक करते हैं हैंड से, एंड वी कैन सेपरेट द स्टोन्स फ्रॉम राइस। अंडरस्टैंड बेटा? तो राइस को कुकिंग करने से पहले, बॉईल करने से पहले हम क्या करते हैं, इनके अंदर जो भी स्टोन पार्टिकल है उनको हम हैंड से पिक करके, यानी वी आर यूजिंग आवर हैंड एंड वी आर पिकिंग इट विद द हैंड, एंड वी कैन सेपरेट द पार्टिकल्स फ्रॉम द राइस। ओके, इस मेथड को हम कहते हैं हैंड पिकिंग मेथड। तो ध्यान रखिए, इसमें एक तो लार्जर साइज के इंप्यूरिटीज को सेपरेट करते हैं, दूसरा वो लेस अमाउंट में होनी चाहिए। ओके, विनोइंग, इन दिस मेथड वी आर यूजिंग एयर। बाई यूजिंग एयर वी कैन सेपरेट द लार्जर, वी कैन सेपरेट द हैवियर एंड लाइटर साइज पार्टिकल्स। ओके, इसमें आपको पता है जो आपके वीट होते हैं, वीट से चैफ को सेपरेट करने का काम किया जाता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल, आपको पता है इसमें क्या करते हैं, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर कोई भी पर्सन खड़ा होके और क्या करता है, ठीक है, इस तरह से इसके अंदर उसने मटेरियल डाला वीट और चैफ, तो धीरे धीरे वो हवा की वजह से क्या होता है, चैफ तो उड़ के दूसरी जगह पे इकट्ठी हो जाएगी और जो वीट है वो उसी पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे, क्लियर है। तो इसमें, इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में एक तो एयर का यूज होता है, ठीक है। एयर की हेल्प से क्या होता है, जो लाइटर साइज पार्टिकल्स है, लाइटर जो इंप्यूरिटीज है, वो तो दे आर मूविंग एट फार अवे प्लेसेस, वेयर जो हैवियर कंपोनेंट्स है वो उसके पास में गिर जाएंगे। तो इस तरीके से वीट से चैप वगैरह हम सेपरेट करते हैं, वीट या कोई भी और अनाज भी हम ले सकते हैं, ओके, और रेज्ड प्लेटफॉर्म पे खड़े होके इंप्यूरिटीज को सेपरेट आउट किया जाता है। क्लियर बेटा? सो ये दो मेथड्स थे, आई होप आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। हैव ए गुड डे।